आप उधर क्यों रहे? बात ही कुछ ऐसी होने भाई। क्यों, क्या हो गया? अपने फैसला कर ले कि आप शादी कर रहे हैं। अरे मुबारक हो। मैंने भी। क्या बात कर रहे हैं? राजकुमारी से। राजकुमारी से? लेकिन राजकुमारी से तो अपन प्यार करते हैं। लेकिन मूर्ख अज्ञानी बालक को कन्या मुझसे प्रेम करती है। अच्छा चलो चलकर पूछ लेते हो किससे प्यार करती। चलो चलो। मैडम दोनों एटीएम आ गए टीडीएस काट के। क्या आप खुदे और मजनू दोनों से प्यार करती है? बेटी हम नजफगढ़ घर आने से हैं। हमारे यहाँ की लड़कियों का दिल किसी एक के लिए मुश्किल से धड़कता है और आपका दो दो के लिए। हम करे भी तो क्या करे माँ, आंखें बंद करते हैं तो उदय जी नजर आते हैं, आंखें खोलते हैं तो मजनू जी, और सबसे बड़ी बात ना ये कितने मजे हुए एक्टर हैं। आलू ले लो, कांदे ले लो। और दूसरे माँ कितने बड़े वाले पेंटर हैं। जिस दिन मैं ब्रश उठाता हूँ गन नहीं उठाता। तो फिर आप ही बताएं मम्मी, हम दोनों तो शादी कर ले। क्या बेटी शादी करनी है सिलेंडर नहीं लेने कि जितने ज्यादा आ जाए उतने अच्छे। हमारे ख्याल से आप उन्हीं को फैसला करने दीजिए। हम दोनों में से जिसकी कुंडली के ज्यादा गुण राजकुमारी से मिलेंगे नजफगढ़ का राजकुमार वही बनेगा। वाह क्या फैसला किया है पंडित जी। है गुण कम तो नहीं पड़ रहे? कम भी हुए तो मजनू जी की कुंडली से निकाल के डाल दूंगा। डालना जरूर, वरना गुण और गन की स्पेलिंग सेम होती है। और मुझ में वो गुण है कि मैं कभी भी गन चला सकता हूँ। अब उनके गुण राजकुमारी से मिलते हैं ना? 38 अबे गुण तो 36 ही होते ना। हाँ लेकिन जिस तरह से आपने तबूत को काटा मैं तो 40 बोलने वाला था। बहन के सगे तो 40 नहीं 36 ही मिला, वरना याद रखना गन और खंजर की स्पेलिंग भले ही सेम ना हो जान खंजर से भी जाती है। अबे ओ पंडित हा? कुंडली देखने को बोला है, सपना नहीं होता है। अरे गुस्सा है ना मेरे से? इधर काय को आया तू? यानो इजेंदला थड़कला समय अंडा साहिब के नाम मेरे ना कड़ता, थोड़ा पर्सनल बात करने का एक मिनट। अरे करो ना, वैसे भी अपन को कहा समझ में आ रहा है। ये दाढ़ी को मढ़ाई है, छिछुरे लगते हो। तुम्हारा हेयर स्टाइल बहुत अच्छा है। ये स्टाइल नहीं है, झड़ गए बाल तुम्हारी वजह से। ऐसा क्या यान रड आता मुझे मध में आता डम्बुज नट्ट है ವಂಜಿ ಪೊನ್ನುಲೋ ಉಂಡು ನಿನ್ನ ತಂಗಾಡಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಎಂಚಿನ ಹೊಸ ಪ್ರಸಂಗ ಇಂಕ ತಂಗಾಡಿ ಬಂಗಾಡಿ ಎರ್ಲ ಇಜ್ಜರ್ ಏ ಅಂಕಲ್ ಅಬ್ ಕ್ಯಾ ನಯಾ ಟೆನ್ಷನ್ ದೇ ದಿಯಾ ಭಾಯಿ ಕೋ ಮಂಜು ತುಮಕೊ ಮಾಲೂಮ್ ಮೇರಾ ದೋ ಶಾದಿ ಹೋ ಗಯಾ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೇರಾ ತೀನ್ ಶಾದಿ ಹೋ ಗಯಾ ತೀನ್ ಶಾದಿ ಯಾ ಬಚ್ಚಾ ಸುಬಹ ಸೇ ಭೂಕೆ ಬೈಠೆ ಹೈ ಔರ್ ಬಾಪ್ ತೀನ್ ಬಾರ್ ಲಂಚ್ ಕರ್ ಚುಕಾ ಹೈ ತೀಸರಾ ಲಂಚ್ ಸೇ ಏಕ್ ಬೇಟಿ ಹೋ ಗಯಾ ಬೇಟಿ ಯಾನಿ ಏಕ್ ಔರ್ ಬಹನ್ भाई लोगों की माँ बहन होती है, आपकी बाप बहन हो रही है। बाप का कोई भरोसा नहीं है, आज ऑन है कल ऑफ हो जाएगा। तू बाप है क्या पंखा? ऑन ऑफ क्या हो गया तेरे को? मोटर खराब हो गया। हार्ट हार्ट तुम जैसा संजना का शादी के अच्छा खानदान करने का लड़का के साथ पैसा रंजना का भी कर देना। बस यही एक काम बचा है, तुम अपनी शादियां करते रहो, हम अपनी बहनों की कराते रहेंगे। कोई बहन वहन नहीं मेरी। हट। लेकिन मेरा एक भाई है, सोचा था मुझे देखते ही खुशी से पागल हो उठेगा, गले लगा लेगा, पता नहीं था ऐसे अपनाने से भी इनकार कर देगा। हर रक्षाबंधन पे मैं अपने सहेलियों के भाइयों को देखकर सोचती थी काश मेरा भी भाई होता। आज जब पता चला कि है तो एग्जाम्स बीच में छोड़कर मिलने चली आई, मिल लिया। लगता है भाई का प्यार मेरे नसीब में है ही नहीं। काय को नहीं? अपुन है ना, अपुन को भी हमेशा ऐसा लगता था कि अपना भी एक बहन होता, वो आज अपुन को मिल गया। तू इसका नहीं अपुन का बहन है, अपुन करेगा तेरा शादी। मजनू छोड़ो ना भाई, इसमें इसका क्या गलती है? ये सब तो मंजू आई एक्सेप्ट माय मिस्टेक। Thank you.
हृदय, तू भी मेरे जैसा इमोशनल रास्कल। अभी मैं खुशी से तीर्थ यात्रा को जाएगा और ब्रह्मचारी का जिंदगी जिएगा। शंकर शेट्टी, अभी तुम चौथा शादी कर सकते हैं। अब मैं खुशी से इंडिया लौटकर अपनी एग्जाम्स दे सकूंगी। अब तेरी खुशी दुगनी होने वाली है। तुझे भाभी मिलने वाली है, मेरी तरफ से या मेरी तरफ से, हम दोनों में से सिर्फ एक की शादी होने वाली है। ये शादी नहीं हो सकती। मेरा मतलब है तब तक जब तक आपकी बहन की शादी नहीं हो जाती। लेकिन हमारी शादी से हमारी बहन की शादी का क्या लेना देना? हाँ माँ, उसमें बेटी तुम भूल रही हो हम लोग कौन है। कौन? महारानी और राजकुमारी और नजफगढ़। अरे घर में जवान बहन कुमारी बैठी रहे और भाई शादी कर ले, नजफगढ़ के लोग क्या कहेंगे? हाँ, क्या कहेंगे? नहीं मतलब इतनी जल्दी कहाँ से लड़का ढूंढेंगे? जल्दी क्या है, आराम से ढूंढिए ना। आपकी बहन को जल्दी है और ना हमें। लेकिन हमें तो है ना। देखिए, आप इसे हमारी मजबूरी समझे या शर्त, मगर हम हमारी परंपरा मर्यादा और रस्म रिवाज को नजरअंदाज नहीं कर सकते। चलो बेटी। भाई चलाना मत। कंट्रोल उदय। अरे काहे का कंट्रोल उदय भाई, अब अच्छे खानदान का शरीफ लड़का कहां से मिलेगा? आज तो मैं तुझे जान से बाहर डालूंगा। पागल हो गया क्या? अरे तूने नॉर्मल रहने कब दिया? हमारी शादी से पहले तेरी एक और शादी हो चुकी थी और उससे तुझे जवान बेटा भी है। ये बात तूने आज तक छुपाई मुझसे। अरे मैं तो स्वागत में ही बताने वाली थी, लेकिन आप तो दूध पी के सो गए ना। तो मैं सोया था, मरा नहीं था। अगले दिन बता देती जब मैं चाय पी रहा था। मैं तो आज तक कोशिश करती आई हूँ, लेकिन आपने कभी मौका ही नहीं दिया मुझे बताने का। तो आप ये सब सुनने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला दो मैं। अरे आपको तो खुश होना चाहिए कि आपका एक बेटा भी है। मेरा बेटा? जब मैंने चुनाव में वोट डाला ही नहीं है तो मुख्यमंत्री मेरा कैसे हो गया? तुझे मार के भी मैं क्या करूँगा? तू खुश रहे अपने बेटे के साथ, मैं ये दुनिया छोड़ के चला जाता हूँ। घुंघरू, तुम मेरी किए की सजा खुद को क्यों दोगे? तुम तो जानते हो कि हमारी लाख कोशिशों के बाद भी हमारे यहाँ पर बच्चा नहीं हुआ। तुम्हें चाचा, मामा, अंकल कहने वाले तो बहुत मिले, लेकिन पापा कहने वाला कोई मिला? डैडी, अब्बा, आई ट्रूली फील यू वेरी लकी घुंघरू। बहुत कम खुशनसीब लोग होते हैं जिन्हें एक रेडीमेड जवान बेटा मिलता है। ना स्कूल लाने जाने का टेंशन, नो कॉलेज, नो डोनेशन, डायरेक्ट सन। और फिर कल को मर गए तो चीता को अग्नि कौन देगा? भूत बनकर घूमोगे घुंघरू, भूत। बेटा अगर चीता को अग्नि देगा तो तुम्हें मोक्ष मिलेगा। ये बेटा नहीं है घुंघरू, ये तो भगवान का वरदान है। कुछ तो बोलो घुंघरू, कुछ तो बोलो ना घुंघरू। मुझे मुझे मेरे लाडले के पास ले चलो, लाडले के पास ले चलो घुंघरू। नमस्ते संदीप जी। नमस्कार गुरु जी। नमस्कार गुरु जी। नमस्ते। हम लोग आपके घर गए थे तो पता चला कि आप एयरपोर्ट के लिए निकले, और इसीलिए हम लोग ने सोचा कि आपको बीच रास्ते में दबोच लें। दबोच लें, कमाल की सोच है इनकी। नहीं वैसे कहाँ निकले थे आप? इंडिया अपने बेटे से मिलने। बेटा मुबारक हो। आपका अपना बेटा है? हाँ, हमारा बेटा। सगा? सगे से भी बढ़कर समझ लीजिए। अरे मुबारक हो। एक मिनट, आपका अपना बेटा आपने कभी बताया भी नहीं? अरे बताने का क्या मतलब है, मेरा तो चाचा भी है, मेरा मामा भी है, उसके बारे में मैंने कभी भी आपको बताया? इंडिया रहते हमको कभी कभी मिलता, तो आप लोगों को क्या मैं मिल आया बताया दिखाया करूं? आप नाराज मत होइए, कुंवारा है। कुंवारा है? आपको ये भी नहीं पता कि वो कुंवारा है? अरे मैंने यही कहा कि कुंवारा है। आपको डायलॉग के एंड में क्वेश्चन मार्क सुनाई दे रहा? वो कुंवारा है, फुल स्टॉप। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो।
अरे घुंगरू जी, इसी चक्कर में तो हम आपके घर गए थे ताकि आपके खानदान में कोई लड़का हो और हम अपनी बहन की शादी उससे करवा लें। बहन? तो आपने बताने कि आपके भी बहन, आपको भी पता नहीं था क्या? मेरी नहीं, इनकी, इनके मतलब मेरी, हमारी, इनकी सगी छोटी बहन, शायद आखिरी। भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, अब बाप की मेहरबानी से तीन तीन माएं भी है। तीन माएं? हाँ, अभी अपना रिश्ता होने वाला है तो क्या छिपाना आपसे। तीसरी माँ से एक छोटी बहन है। वाह 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 वाह, बहन है। ओके ओके, आपको अजीब नहीं लग रहा? नहीं, क्यों अजीब लगेगा, ये तो होता रहता है सबके साथ। किसी को अचानक बहन मिल जाती है, किसी को अचानक बेटा मिल जाता है। बड़ी प्यारी, सभ्य, सरल, सुंदर है, बस आपके घर की बहू बन जाए। अरे बन गई उदय भाई, समझो रिश्ता पक्का। एक मिनट भाई, मैं मेरे बेटे से तो मिल लूँ एक बार। क्या मतलब? मेरा मतलब है आप एक बार मेरे बेटे से तो मिल लूँ। मिलने का क्या? अरे बाप गन्ना है तो बेटा तो गुड़ होगा ही ना। अबे ओ गरीबों के गालिब, ठीक से मिसाल तो दे। तो भाई आप दे दो ना। मंदिर की सीढ़ियों पर खड़े हैं तो अंदर भगवान ही होंगे ना। आपको देख लिया, अभी बच्चे को क्या देखना है। आप जैसे शरीफ, खानदानी, समझदार, हैंडसम आदमी के बारे में क्या सोच रहे हैं? मेरी बात तो सुनिए। अरे सुनना सुनाना तो होते रहेगा, हमारी तरफ से रिश्ता पक्का। मुबारक मुबारक। बहन के सगो, अभी मुबारकबाद दो। मुबारक हो गुरुजी।